हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं एक नई डिश लेके। सर्दी है और आपको अच्छा खाना खाना है, आ जाओ दोस्त, बता दूंगा। और आपको मतलब नॉन वेज के आप शौकीन हो तो मैं इतनी ज़्यादा केड़ी केड़ी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा देखते देखते। और आप खाओगे तो मैं आपको लोकेशन वगैरह भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो उससे पहले अपन अपनी सारी चीज़ें टेबल पर रखते हैं, क्योंकि प्लेटें खाली अच्छी नहीं लगती, तो फटाफट से अपन अपनी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो गाइस, मैं लेके आया था निजाम होटल से कुछ लग्जरी डिशेस, रोस्टेड वगैरह वगैरह। आप देखना, मैं एक चीज़ आपको ओपन करके बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं इनकी पैकेजिंग, पैकेजिंग जितनी अच्छी हो खाना उसके अंदर उतना अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। तो फटाफट से अपन इसको ओपन करते हैं। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको इसका एड्रेस बता देता हूँ। इसका एड्रेस है फतेहपुर रोड के ऊपर, जो सीकर में रहते हैं उनको बता रहा हूँ, फतेहपुर रोड के ऊपर हयात होटल के जस्ट सामने, थोड़ी सी आगे जाके। और आप इनका खाना ट्राई करना, इनका खाना बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फटाफट से मैं आपको एक एक डिश ओपन करूँगा और उनकी रेट भी बताऊँगा। तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस, सबसे पहले अपन ओपन करते हैं मटन बिरयानी, जो स्पेशली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मटन बिरयानी देखो इसके अंदर, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनकी पैकेजिंग मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी। और खाने का तो मतलब आप पूछो मत, मैं पहले खाता हूँ उधर जाके जहाँ भी, उसके बाद में मैं चीज़ें लेके आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। और जो अच्छा होता है वही लेके आता हूँ मैं आपको, आप भी ट्राई करना। तो फटाफट से अपन इसको ओपन करते हैं। तो गाइस, ये है मटन बिरयानी जो मेरे को पड़ी थी 280 रुपये की। तो फटाफट से अपन इस मटन बिरयानी को प्लेट के अंदर निकालते हैं और उसके बाद में अपन इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस, ये आ चुके अपने मटन बिरयानी, और इसके अंदर फीलिंग देखो कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और अपन में भी इसको आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अपन पहले इसको साइड में करते हैं और चीज़ें भी निकाल लेते हैं। उसके बाद में गाइस आता है मलाई रोस्टेड, जो मेरे को पड़ा 250 रुपये का। अपन इसको भी ओपन करके देखते हैं और इसका भी टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट से अपन इसको भी निकाल लेते हैं। गाइस, इसकी पैकेजिंग देखो, बॉक्स के अंदर भी ये लोग मतलब पॉलिथीन में डाल के दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई भी नहीं देता, मतलब हर होटल में ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही पकड़ा देते हैं पहले पॉलीथीन वगैरह में। तो अपन इसको भी ओपन करते हैं। तो गाइस, ये आ चुका है इनका चिकन अफगानी मलाई रोस्टेड, जो मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अपन इसको भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इसके बाद में गाइस अपन निकाल लेते हैं बटर चिकन। तो गाइस, ये है इनकी बटर चिकन, जिसमें चिकन बहुत अच्छे से फिल की हुई है और हाथ लगाते चिकन मतलब कट हो रही है, तो मतलब पता चलता है कि बटर चिकन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद में गाइस मैं लेकर आया था बटर सिंपल नान, बटर की मैंने कहा था, बटर और मतलब बटर लगी हुई नान और फिर ये भी लिक्विड हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। आप सिंपल नान और बटर चिकन खाना, आपको बहुत ऐसे करकरा टाइप का मज़ा आएगा। तो फटाफट से इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये मेरे को पड़ी 50 रुपये। गाइस, ये इनकी सॉफ्ट नान जो मेरे को पड़ी 50 रुपये की दो। तो फटाफट से इसको भी अपन ट्राई करेंगे, दिखने में भी सॉफ्ट लग रही है। उसके बाद में गाइस लेकर आया था चिकन शोरमा, ये मैं अलग से लेकर आया था। गाइस, ये मेरे को पड़ा 100 रुपये का। और अपन इसको भी टेस्ट करेंगे और इसका भी टेस्ट रिव्यू मैं आपको दूंगा कि ये कैसा दिखता है और खाने में कितना मज़ा आता है इसको भी। तो अपन साइड में, तो सारी चीज़ें आ चुकी। तो उसके बाद में मैं लेके आया था फील द फीस, एपी फीस। तो गाइस, ये मेरी सबसे अच्छी ड्रिंक, पीने में सबसे अच्छी ड्रिंक लगती है मेरे को। तो फटाफट से अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, फटाफट से एक एक चीज़ आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मटन बिरयानी से, तो इसको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। और उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाने के अंदर बरकत होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मटन की बोट मतलब जो बोटियाँ है उनकी फीलिंग अलग और बहुत सारी बोटियाँ इसके अंदर, तो अपन टेस्ट करके देखते हैं। गाइस, मटन बिरयानी मेरी तो फेवरेट है और मेरे जैसे मतलब लगभग 95% लोगों की फेवरेट ही होती है ऑलमोस्ट। तो गाइस, इसको मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर, जो मेरे को इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और निज़ाम होटल की बिरयानी आप भी ट्राई करना, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। उधर तो गर्म गर्म और भी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी ठंडी होगी, लेकिन इसका टेस्ट और इसकी जो गोश्त की बोटी है उसके अंदर मसाला इतना फीलिंग से भरा हुआ है कि आपको मज़ा आ जाएगा गाइस खाने के अंदर। उसके बाद में अपन ट्राई करेंगे गाइस अफगानी मलाई रोस्टेड, जो कुछ इस तरह का दिखता है गाइस। तो अपन इसको भी ट्राई करके देखते हैं। गाइस, एक नंबर, मतलब आप इसको भी ट्राई करना, आप इसके भी आपके पैसे वसूल हो जाएंगे।
ये 10 of 10, तो ये भी 10 of 10। आप उधर गरम गरम जरूर ट्राई करना था एग्जाम के अंदर। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और खाने में तो इतना सॉफ्ट है कि आराम से खाया जा रहा है एकदम। तो अपन इसको भी साइड रखते हैं। उसके बाद में गाइस बारी आती है बटर चिकन की, जो मतलब सबका फेवरेट तो नहीं होता, ठीक ठाक है, मेरा भी इतना फेवरेट नहीं है, दो चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो अपन इसको खाएंगे बटर नान से, जो मेरे को बिना बटर के अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी क्रंची टाइप हो जाती है, फिर इस पर भी लिक्विड, इसमें भी लिक्विड अच्छा नहीं लगता गाइस बिल्कुल भी। तो अपन इसको ट्राई करते हैं। और गाइस ये देखो बटर नान, गाइस इसको मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, ठीक ठाक है, मतलब आप खा सकते हो आप अगर खाना चाहो तो। लेकिन ये चीज़ आप जरूर ट्राई करना, ये मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद में गाइस अपन ट्राई करते हैं चिकन शोरमा, जो मैं अलग से 100 रुपये का लेकर आया था। तो फटाफट से अपन इसको भी ओपन करते हैं। तो गाइस ये है चिकन शोरमा, ये देखो इसके अंदर चिकन कितनी अच्छी फीलिंग भरी हुई चिकन की। तो फटाफट से मैं इसको भी ट्राई करके बताता हूँ। आगे गाइस आप मतलब अगर टाइम पास करना चाहो या थोड़ा स्नैक्स के अंदर खाना चाहो तो आप चिकन शोरमा खा सकते हो। उसके बाद में अपन पियेंगे फील द फीज एपी फीज, जो मेरी फेवरेट ड्रिंक है। तो गाइस इसका एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, ये बॉक्स पे आप देख लो इसका एड्रेस द निजाम का, इस पे नंबर वगैरह सब कुछ लगे हुए, मेरे को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा शायद। तो गाइस इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनकी पैकेजिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी है। गाइस इस वीडियो को करते हैं अपन यहीं पे एंड। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। और प्लीज़ गाइस मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की दिखाता रहूँगा। बाय।